सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं 5 डब्ल्यू डब्ल्यू के ऐसे रैसलर्स को जिनकी जान बहुत ही कम उम्र में चली भी गई, यानी कि 5 डब्ल्यू डब्ल्यू सुपरस्टार हु डेड टू यंग। नंबर 5 पे नाम आता है ओमेगा का। तो गाइज ओमेगा को आपने डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर देखा होगा, पहले डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर रैसल किया करते थे। गाइज उनका भी नाम काफ़ी अच्छा खासा फेमस हो रहा था डब्ल्यू डब्ल्यू ई के अंदर, लेकिन गए जब वो 39 इयर्स के थे तभी उनकी जान भी चली गई थी। अगेज ओमेगा की कमाल की बात यह है कि वो रोमन रेंस के कजन भी थे, दूर के रिश्तेदार में, और अभी वो डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर रहते तो वो भी काफ़ी बड़े रेसलर रहते, लेकिन गए उनकी 39 इयर्स में जान ही चली गई थी। नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर नाम आता ओवेन हार्ट का। तो गए ओवेन हार्ट जो कि ब्रेट हार्ट के ब्रदर भी थे, जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू के लेजेंड भी है। अगेज ओवेन हार्ट की जान गई थी डब्ल्यू डब्ल्यू ई के अंदर जब वो एक अपना एंट्रेंस कर रहे थे एक टॉप रोप के सहारे, वो एक ताश डायरेक्ट रिंग के अंदर आ भी रहे थे, लेकिन जब वो एंट्रेंस कर रहे थे वो समय उनके हाथ से तार से हाथ फिसल गई और वो वहीं बस डायरेक्ट गिर भी गए और बहुत ही ऊंचाई से गिरे थे और वहीं पे ओवेन हार्ट की जान भी चली गई थी। नंबर 3 की बात करते हैं, नाम आता है चाइना का। तो कहीं चाइना भी डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर काफ़ी ताकतवर वुमेंस रेसलर भी थी और उनका नाम भी काफ़ी अच्छा खासा था डब्ल्यू डब्ल्यू ई के अंदर, लेकिन गए जब वो 45 साल की थी तभी उनकी भी जान चली गई। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर नाम आता है क्रिस बेनोइट का। तो कहीं क्रिस बेनोइट भी डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर काफ़ी अच्छे खासे रेसलर थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया था, लेकिन गए उनकी जो मौत हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी थी, क्योंकि जब वो एक घर के अंदर थे अपने, वह समय सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को मार डाला था और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी मार डाला। अगर बाद में जाकर क्रिस बेनोइट ने सुसाइड भी कर लिया था। और गाइस अभी भी डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर क्रिस बेनोइट का नाम लेना बिल्कुल भी नहीं होता है और डब्ल्यू डब्ल्यू कभी भी इंडक्ट नहीं करती क्रिस बेनोइट का, डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर उनका नाम भी नहीं लिया जाता है। और इनकी मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट भी हो गई थी। नंबर 1 की बात करें आप, नाम आता है ईडी गेरेरो का। तो गाइस ईडी गेरेरो जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर काफ़ी बड़े रेसलर थे और वो ऐसे रेसलर थे जो कि ब्रॉक लेजनर को भी हरा चुके थे। अगर काफ़ी सारी चैंपियनशिप उन्होंने जीती भी थी, लेकिन जब वो 38 इयर्स के थे तभी उनकी जान चली गई थी और उनकी जान गई थी डब्ल्यू डब्ल्यू की रिंग के अंदर जब उनका मैच चल रहा था और उस मैच के बीच में उन्हें आ गया था एक हार्ट अटैक। अगर उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो रिंग पर ही अपना दम तोड़ दिए थे और वहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें बचा भी नहीं पाए थे और ईडी गेरेरो का ही मौत 38 साल की उम्र में ही हो गया था। सो गाइस यही थी आज की वीडियो पसंद आया छोटे को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।